मैं राजगृह की ओर प्रस्थान करूंगा। इतने शीघ्र? मैंने मगध नरेश बिंबिसार को यह वचन दिया था कि दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही मैं उन्हें यह संदेश सुनाने आऊंगा। इतनी भीड़ क्यों है? यश के भिक्षु होने के बाद अब उसके मित्रों ने भी प्रण लिया है कि वे भी भिक्षु बनेंगे। विशाल नदी की एक अकेली धार बन मैं बह चला था, अब कितनी अनेक धाराएं इस प्रवाह में जुड़ती जा रही हैं। यदि ये स्वेच्छा से भिक्षु बनना चाहते हैं तो आप मेरे प्रथम शिष्य इन्हें ज्ञान दें। पर आचरण सहित आप हमें बताइए। आप लोग अंदर आ जाइए। जो भिक्षु बनना चाहते हैं उन्हें अपने केश और दाढ़ी के बाल त्यागने होंगे। आप गेरुआ वस्त्र धारण करेंगे। आप अपना वस्त्र ऐसे लपटें कि आपका दाहिना कंधा खुला रहे। अब आप बुद्धा के प्रथम शिष्यों में से किसी एक से दीक्षा ग्रहण करेंगे। दीक्षा लेने के लिए आप घुटनों के बल धरती पर बैठेंगे। दीक्षा कोई भी दे पर आपके लिए स्वयं बुद्धा ही यह आशीर्वाद का हाथ रख रही है। जो दीक्षा ग्रहण करे वो अपने हस्त कमल के फूल की पंखुड़ियों के समान खोल के रखे। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि। जो धर्म का स्वरूप है मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। धम्मं शरणं गच्छामि। जो प्रेम और करुणा में मेरे सहयात्री हैं उसकी शरण में जा रहा हूं। संघं शरणं गच्छामि। ये तीनों शरण दोहराने पर आप सब भिक्षुक हो जाएंगे। आप इस चेतना की नदी के अंग हो गए जो सामंजस्य और जागरूकता से जीवन बिताने का प्रण लेती है। मेरी अनुपस्थिति में आप सबको पूर्ण अधिकार है। आप संघ में और भिक्षुओं को दीक्षा दें। जो भी भिक्षु बनना चाहते हैं और यहाँ आने में असमर्थ है वो अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में और अपने मित्रों के समक्ष भिक्षुक बन सकते हैं। उच्चतम नैतिक चरित्र का उदाहरण बनना है और अनुशासन किसी और को दिखाने के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए है। मेरे प्रिय भिक्षु, आज हमने एक भारी बीड़ा उठाया है मानव को कल्याण का मार्ग दिखाने का। आज हम सब विदा लेते हैं। हम सब अलग अलग दिशाओं में जाएं। एक दिशा में दो ना जाएं। जो परम सत्य मेरे अनुभव से आप सबको रूपांतरित कर गया वो संदेश जन जन तक पहुंचा। इतनी रात्रि हो गई, नंद अभी तक नहीं आया। नंद अभी तक नहीं लौटा? इसके पश्चात वो अकेले कहीं नहीं जाएगा।
जब भी जाएगा रक्षक उसके साथ होंगे। एक पुत्र खो चुका हूं अब। महाराज ऐसा ना कहें। आपके उस पुत्र ने आपका नाम इस संसार में उजागर किया है। हाँ, दिया बनकर परिवार में थोड़ा प्रकाश फैला, परंतु उसने संपूर्ण विश्व में प्रकाश फैला दिया। अब यह दूसरा पुत्र कुछ करे तो एक भवन में बस तुम उसे कहाँ ले गए थे? गणिकाओं के पास रंग भवन में महाराज। रंग महल जाने की उम्र है तेरी? नहीं मां, जब ये बालक है ना समझे, इसके दोषी है तो ज्येष्ठ देवदत्त, उनकी संगत में ये बालक भी भटक गया। इस मापदंड से आप मुझे बुरा कह रही हैं यशोधरा देवी? महाराज मैंने किसी को भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करवाया। हाँ महाराज, मैं वहां अपनी इच्छा से ही गया था। और हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि अपना बुरा भला समझ सकूं। अच्छा, अब तू इतना बड़ा हो गया है? हाँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूं कि ये समझ सकूं कि आपने हमेशा ज्येष्ठ सिद्धार्थ को मुझसे कहीं अधिक प्रेम किया। महाराज आप नंद को रंग भवन जाने से कैसे रोक सकते हैं, जबकि रंग भवन का निर्माण आपने स्वयं करवाया सिद्धार्थ के लिए। आप ही चाहते थे कि सिद्धार्थ अपना समय गणिकाओं के साथ व्यतीत करे। अमोद प्रमोद करे। तो यदि सिद्धार्थ का छोटा भाई चला गया तो इसमें कौन सा तूफान आ गया? देवदत्त अपनी जीवा को संभालो, कुछ ऐसा ना कहो। यशोधरा देवी मैं कहूंगा ये बेचारा नंद हमेशा इसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। क्या कह रहे हो ज्येष्ठ? ज्येष्ठ सिद्धार्थ रंग महल में जाए तो वो आनंद की बात, और मैं जाऊं तो ये ऐसा दुर्व्यवहार। पूरा बचपन मुझे अपने माता पिता का प्यार ना मिला, क्योंकि उनकी सारी आशाएं सारा ध्यान केवल ज्येष्ठ सिद्धार्थ पर ही केंद्रित था। बचपन तो खो दिया, पर अब तो आप सब मुझे जीने दीजिए। नंद रुको। का सरल है, यदि उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है उस चालाक देवदत्त ने, पर वो शब्द जिससे उसने अपने माता पिता का कलेजा फेरा,
वो तो उसी के थे ना। एक पिता का धर्म निभाया, परंतु आप इस ओर से आ रहे हैं मुनिवर? इस ओर से आपने इसी लड़की का भागते देखा है? नहीं तो क्यों? डायन है, कल रात उसने मदरा पिलाम तीनों को बेसुध कर दिया। सुबह जब आप खुली तो देखा हमारा सारा धन लूट के ले गई बिना कारण। मुनिवर, हम उसे आनंद प्रमोद के लिए वाराणसी ले जा रहे हैं। उसने आप सबका बोझ कम कर दिया, पर आप अब तक उसका बोझ उठाए घूम रहे। आप हमारा उपहास कर रहे हैं? उस लड़की से कहीं अधिक चिंतित हम अपने मूल्यवान आभूषणों के लिए हैं। जो लुट गया वो मिलेगा तो नहीं? अरे इतना धन था कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। सच तो यह है कि उस नारे के पीछे हम मतवाले हो गए। उसके सौंदर्य ने हमें लूट लिया, अन्यथा ऐसा कदापि ना होता। वो तो आप सबको अब भी लूट रही है। धन उसने तुम्हारे बीते काल में चुराया, पर वो तुम्हारा वर्तमान भी लूट रही है। एक बात बताइए, क्या वो लड़की इस समय तुम्हारे लिए इतनी व्यथित है जितने कि तुम इस समय उसके लिए व्यथित हो? भला वो क्यों व्यथित होगी? तो फिर आप क्यों व्यथित हो रहे हो? जो लुटा वो भूतकाल में लुटा, उसे पकड़कर जो दंड दोगे वो भविष्य काल में होगा। तुम्हारा वर्तमान अभी इसी क्षण तुम्हारे साथ है। भूतकाल का बोझा उठा उस भविष्य को बदलने का प्रयत्न कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। बात तो ये सच है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो तुम स्वयं को खोज सकोगे, ये समझ सकोगे कि जो तुम्हें दुख दे रहा है वो क्या है। क्या आप अपने आप को जान पाए? और अपने आप को जानने से क्या होगा? अपनी ये बांसुरी दो मित्र। सन्यासी बांसुरी बजाएगा? आज कितने वर्षों के बाद मैंने बांसुरी को अपने होठों से लगाया है। पहले से अधिक सुरीला हो गया हूं। मैंने जान लिया है स्वयं को। यदि तुम बांसुरी मधुर बजाना चाहते हो तो बांसुरी पर इतना ध्यान केंद्रित मत करना जितना अपने वास्तविक सार को पहचानने। क्या आप मुझे अपनी तरह बांसुरी बजाना सिखाएंगे? मैं स्वयं को खोजूंगा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? पर मैं तुम्हारा अहंकार लूट लूंगा। ओ
स्वाहा 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 जितनी सुंदर आपकी आभा है नाम भी उतना ही सुंदर होगा। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। ओह, वही जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं, ये भी नहीं कहता कि ईश्वर है। इस विषय पर कल प्रातः बात करेंगे, अभी रात्रि हो गई है। आज आप हमारे आश्रम में ही विश्राम करें, आइए। यह आश्रम किसका है? यह आश्रम मेरा और मेरे शिष्यों का है। मैं उरुवेला कश्यप हूं। मैंने आपके बारे में सुना है, आप वही उरुवेला कश्यप हैं जो वर्षा ऋतु में मुनियों को छत्र छाया देते हैं। आज रात्रि आप मेरी कुटिया में ही विश्राम कीजिए। ये लीजिए। मैं पूर्ण ध्यान में बैठ उसके पश्चात ही विश्राम करता हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कुटिया में रात्रि बिता लूं। गुरुजी, वहां एक विषैला सर्प घुसा हुआ है, बाहर नहीं निकल रहा। यदि उसने आपको डस लिया तो? आप निश्चिंत रहें, मैं वहीं विश्राम करूंगा। गुरुजी, रोक लीजिए उन्हें। अब वे नहीं रोकेंगे, उन्होंने दृढ़ निश्चय जो कर लिया है। कृपा कर वन की ओर जाएं। ये स्थान आपके लिए असुरक्षित हो गया है। आप कुछ ना करें तब भी लोग डरकर आप पर वार करेंगे। यहां आपके जीवन को संकट है। आप यहां हैं। आज जब हम अपने शिष्यों से वार्ता कर रहे थे तो आपको वहां नहीं पाया। मैं वहां उपस्थित नहीं रहना चाहता था। क्यों? आप अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे,
यदि स्वाभाविक कोई प्रश्न मेरे मन में जागता तो आपके शिष्यों के सामने उसे पूछना आपको दुविधा में डाल सकता था, परंतु यहां तो एकांत है, अब हम वार्ता कर सकते हैं। कृपा करें, आप दुख के संबंध में कुछ कह रहे थे। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ। यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैर कर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। हमने सारे शास्त्रों को पढ़ा, उन पर व्याख्या की, परंतु जीवन के इतने जटिल सत्य को इतनी सरलता से किसी ने नहीं समझाया, किसी ने नहीं समझाया। आप इस भटकती मानवता को परम ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। आप करुणा के सागर हो, हे बुद्ध, आप हमें अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। पराक्रमी, हे युग पुरुष, आज बुद्ध की शरण में हम आते हैं, आज धर्म की शरण में हम आते हैं, आज संघ की शरण में हम आते हैं। समय की गहरी नदी में इन दीन दुखियों और भटकती आत्माओं के आप ही नाविक हो। घोर अनर्थ हो रहा है गुरुवार्य, घोर अनर्थ। कोई मोहिनी सिद्धि है उसके पास जो अपने को बुद्ध कहता है। इतना अहंकारी स्वयं को बुद्ध घोषित कर रहा है। उसके जादू मंत्र को देखिए, रुवेला कश्यप और उसके दोनों भाई अपने शिष्यों के साथ उस पाखंडी के संघ में शामिल हो गए। साधो साधो, वेदों को नहीं मानता और पुराण को सर्वथा अवास्तविक बताता है, और तो और वह ईश्वर तक को नहीं मानता। ईश्वर की आस्था के प्रति विश्वास, ये तो भयानक प्रलय की सूचना है। हाँ गुरुवर, मगधवासियों से वो कहता है जागरूक हो जाओ तो तुम्हारे अंदर के दुखों और क्लेशों का अपने अंदर से
शांति मिलेगी, उनमें विवेक और ध्यान जगाता। जंगल की आग है गुरुवर, जंगल की आग। अगर इसे यूं ही हवा लगती गई, एक दिन भीषण अग्नि बनकर हम सबको जला देगी और धर्म का विनाश होगा। धर्म का विनाश हो जाएगा। नहीं, हम उसकी चाल को सफल नहीं होने देंगे। भगत के महाराज अवश्य हमारी दुहाई सुनेंगे। उस बुद्ध का सर काट कर यदि मैंने भगत के द्वार पर न लटका दिया तो महाराज बिंबिसार पधार रहे हैं। महाराज, एक आंधी आपके विरुद्ध भयानक रूप ले रही है। एक व्यक्ति हमारे धर्म और हमारे सामाजिक ढांचे को हिला रहा है। कौन है वो? क्या परिचय है उसका? एक ढोंगी जो ना तो ईश्वर को मानता है और ना ही किसी धर्म। भगत वासियों को बहला फुसला कर उन्हें अपना अनुयायी बना रहा है। कोई नई विचारधारा का जनक हुआ। ऐसे कितने आए और कितने चले गए। शासन का प्रवाह ऐसे छोटे मोटे बवंडरों को अपने आप में समा ही लेता है। महाराज, ये कोई साधारण बवंडर नहीं है। राजनीति शासक जिस संरचना के साथ चलता है आज वो उसी को चुनौती दे रहा है। ये किसी गहरी क्रांति का संकेत है। यदि उसका शीश उठ रहा है तो उसका शीश अवश्य कटेगा। क्या नाम है उसका? क्षमा चाहता हूं महाराज, आपके मित्र राजगृह पधार रहे हैं अपने अनुयायियों के साथ। सिद्धार्थ गौतम आए? महाराज, महाराज आप अपने बहुमूल्य समय को। महाराज, आपके स्वागत के लिए वे स्वयं नहीं आए। इतना अभिमान? अपने दिए वचन को निभाने मैं आप तक पहुंच गया मगत नरेश। मैं जानता था आप अपना वचन कभी ना तोड़ेंगे, किंतु अब आप वो रहे ही नहीं। कौन हुआ? उरुवेला के बच्चों ने मुझे नया संबोधन दिया, बुद्ध। अतिश्रेष्ठ बुद्ध, 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 बुद्ध। मैं भी अब आपको बुद्ध ही कहूंगा। सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है। आपका आभा मंडल, आपसे झरता शांति का झरना, आपका अभूतपूर्ण सौंदर्य इस बात की हुंकार दे रहा है कि आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हो और मैं चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी
निम्न ही रह गया। ये ऊंचता नीचता का विचार ही असत्य है। पहले क्षण आपने मुझे अपनी बुद्धि से देखा, इसीलिए आपको हमारे बीच अंतर का विचार आया। उसके बाद आपने मुझे अपने मन की आंखों से देखा, वहां आपकी चेतना विभाजित ना हो सकी। क्या अंतर है आप में और मुझ में? एक ज्ञानी अज्ञानी से पूछ रहा है कि क्या अंतर है उसमें और मुझ में, पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है? पृथ्वी तुम्हारी जड़ें हैं और स्वर्ग तुम्हारी फैलती हुई ऊर्जा। बुद्धि की चालाकी देखो, फिर वो दो हिस्सों में विभाजित कर रही है। आप धार्मिक हो या नैतिक? नैतिकता और धर्म अलग? हाँ, नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है, नरक से डराती है, दो हिस्सों में बांटती है। धर्म ऐसा नहीं करता। तो फिर धर्म क्या है? परम ज्ञान क्या है? केवल अनुभूति, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। कोई विचार नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल अनुभव। स्वयं को मध्य में केंद्रित रखो, विरोधों से ऊपर उठो, और जब तुम्हें ये अनुभव होगा तो विभाजित कर देखने के बाद स्वयं गिर जाएगी, जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते सूखकर स्वयं गिर जाते हैं। मैं भी इस परम अनुभव को उपलब्ध हो सकता हूँ? अवश्य। हम सब में वही चेतना की नदी है जो सूरज, चंद्रमा, सितारे, आकाश गंगाओं में बह। परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? अवश्य। मुझ पर एक रुपया और कर लीजिए। आने वाली पूर्णिमा आप और आपके सारे भिक्षुक मेरे साथ भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं। तुम ऐसे चुप हो जैसे तुम्हें सांप सूंघ गया। ऐसी मोहिनी बातें करने वाला, इतना विशाल व्यक्तित्व, इतनी सरलता, लगता है बुद्ध का जादू तुम पर भी चल गया है। मुझ पर नहीं, महाराज बिंबिसार। वो बुद्ध के मोह में फंस गए। हाथ जोड़े उनके साथ ऐसे बैठे जैसे कोई किशोर युवा अचंभित आंखों से ताकता हुआ प्रश्न पूछ रहा। घोर सर्वनाश। महाराज का तो बाद में होगा, उससे पहले कहीं हमारा ना हो जाए सर्वनाश। श्रीमान मंत्री महोदय, कुछ अधिक बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं बोल रहे हैं आप? महाराज बिंबिसार ने बुद्ध के अनुयायी होने का प्रस्ताव रखा और उनके भिक्षुओं को भोज के लिए राजमहल में आमंत्रित भी किया है। कुलगुरु, आप अपनी चोटी संभाल कर रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंधी जिसका नाम बुद्ध है आपकी चोटी जड़ से उखाड़ ले जाए। अर्थात हमारे महाराज बुद्ध के विरुद्ध में कुछ नहीं सुनना चाहेंगे। अरे वो बुद्ध जन जन को जो ज्ञान का मार्ग बता रहा है, उससे सबसे ज्यादा हानि हमारी होगी। एक अधिपत्य हमने बनाया, हम ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान का स्रोत माना गया। हमारे ज्ञान के बिना क्षत्रियों का भी कोई बल न था। हम दरबार में भी राजा से वशिष्ठ बने। वाणिज्य करने वाले तो सिर्फ अपने धन को बढ़ाते रहे, उनकी सोच वही तक सीमित थी। और शूद्रों को हम सबकी सेवा करने का औभाग्य हमने उन्हें सौंपा। ये व्यवस्थित ढांचा जो सदियों से चलता आ रहा है, एक व्यक्ति
जो क्षत्रिय है, सिद्धार्थ गौतम, ब्राह्मणों से उच्च श्रेणी में पहुंच सारी व्यवस्था को तहस तहस कर देगा। फिर गुरुवरे, हमारे धर्म का क्या होगा? क्या होगा हमारे धर्म का? धर्म तो हम ही है ना, हमारे शत्रु के मित्र, हमारे महाराज। तो क्यों ना हम अपने शत्रु के विरुद्ध एक नया शत्रु पैदा करें? अरे ये बहुत गंदी राजनीति है। हम ब्राह्मणों को ये सब कुछ शोभा नहीं देता, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं? हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है। हम अपने रक्षक तैनात करेंगे जो हमारी छत्र छाया बन सके, जो हमारी बात मान सके, युवा हो जिन्हें उकसाया जा सके, विवेक और विचार जिनके साए से कोसों दूर दूर तक भागे, संपूर्ण क्षत्रिय स्वभाव हो, जिनके हाथों में हमारे महाराज कठपुतली बनकर नाचे। ऐसा कोई है? हाँ, है एक, जिसके जन्म कुंडली में लिखा है वो अपने पिता का विनाशक होगा। हमारे महाराज बिम्बसार का पुत्र युवराज आजाद शत्रु, जिसका नाम भी शत्रु पड़ा जब अपने पिता का शत्रु होगा। हमारे शत्रु का शत्रु बनेगा आजाद शत्रु। युवराज, महाराज ने आपको सारवन में उपस्थित रहने को कहा है। किस कारण विशेष से? महाराज चाहते हैं कि आप बुद्ध के दर्शन करें। मैं और बुद्ध के दर्शन करूंगा। उस क्षत्रिय से जो शत्रक के नाम पे कलंक, जो पलायनवादी, महाराज को भी क्या सूझे? उनसे कहना कि मैं आने में असमर्थ हूं। सूर्य पूर्व से ही उदय हुआ के कुल। वहां हमारे पिताश्री हमें सन्यासी के दर्शन हेतु बुला रहे हैं, और यहां हमारे कुलगुरु हमारे दर्शन हेतु आए। युवराज, हम शास्त्र विद्या में कुशल नहीं, परंतु गुणी कुशलता को देखने का आनंद तो ले सकते हैं। हमारी तलवार की टंकार से बड़े बड़े कांप जाते हैं। युवराज, आपके शौर्य की चर्चे भगत से बाहर भी हो रहे हैं। आप केवल हमारी प्रशंसा करने आए अथवा कोई कार्य? युवराज, भगत की आशाएं आपसे बढ़ गई हैं। क्यों? हमारे पिताश्री महाराज बिंबिसार तो है ना, कुशल शासक, जनप्रिय न्यायमूर्ति। युवराज, महाराज जिस राह पर चल रहे हैं उससे कहीं मगध का परचम सीमित रहकर राजगृह तक न रह जाए, बस इसकी चिंता है मुझे। ऐसा क्यों हो? साधुओं और ढोंगियों के चक्कर में पड़ेंगे तो यही तो होगा। आपका आशय बुद्ध की ओर? हाँ, वो बुद्ध महाराज बिम्बिसार को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लक्ष्य से भ्रमित कर रहा है। इतनी बात तो नहीं सुनेंगे महाराज उसकी। तो कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं युवराज, महाराज बुद्ध के मोहजाल में फंसते जा रहे हैं,
कहीं उनकी बातों पे आकर वो हमारे धर्म को अपमानित न कर बैठे। अपनी पसंद नापसंद ये तो एक व्यक्तिगत राय है, उसे सारे देश पर थोपना या फिर हम ब्राह्मणों के साथ अन्याय हुआ तो? आप कल्पना के घोड़े ना दौड़ाएं कुलगुरु। ये आप कह रहे हैं युवराज, अम्रपाली के कारण आपके और महारानी के साथ कम अन्याय हुआ क्या? युवराज, संकट के बादल तो सिंहासन पर भी मंडराने लगे हैं। यदि बुद्ध के कहने पर महाराज ने संन्यास धारण कर लिया तो राज्य का क्या होगा, जिस राज्य के नाम से सारी पृथ्वी कांपती है, वो टूट टूट कर बिखर जाएगी जब राजगद्दी आपको मिलेगी। मगध का राज्य चंद गांव के बीच में सिमट कर रह गया तो बस यही चिंता मुझे खाई जाती है। ये तो अनर्थ होगा। इस अनर्थ को रोकेगा कौन? एक क्षत्रिय, एक वीर योद्धा महाबली, वो आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। तो मेरा विवचन है आपको, मगध का राज्य चारों तरफ फैलेगा, मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, मेरे नाम का लोहा पूरा विश्व मानेगा, और हमारे विचार का ब्राह्मण ब्राह्मण सत्ता के भागीदारी बनेगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। अंधविश्वास किसी पर मत करना, चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या किसी महानुभाव का कहना, जब तक वो तुम्हारी अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरा ना उतरे।